सो क्विक चेक, टाइम देख लो पहले तो, 8:12 day 2 और ये है अपना होटल। और ये कुछ ऐसी पार्किंग मिली है, कोई पार्किंग नहीं, ओपन रोड। एंड देन वी हैव आवर पार्किंग 1 2 3 4 5, ये सारी अपनी गाड़ी है। और यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, तो अभी दूसरा होटल देख रहे हैं जहाँ पे अच्छी पार्किंग हो। रूम वैसे बहुत अच्छा है, रूम से व्यू भी अच्छा है, फोर्ट और वो सब दिख रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू day 2 फॉर आवर हम्पी राइड। तो हम्पी, कर्नाटका, जो भी बोल दो। आज हम लोग बदामी में, कल रात को पहुँचे थे, बहुत ज़्यादा थक गया था तो उसके बाद कुछ शूट नहीं किया, बहुत लेट हुआ, रास्ता थोड़ा ख़राब था। बट क्या चल रहा है। और मेरा नाम है प्रणव और स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्परफेक्टली परफेक्ट वाइब्स में। तो ये पूरी सीरीज़ मैं गोप्रो पे शूट करूँगा क्योंकि DSLR में लेके नहीं है। बाइक राइड थी और थोड़ी हेक्टिक राइड थी, तो मतलब ऐसी कंफर्टेबल वाली राइड नहीं थी कि मैं DSLR निकालूँ, शूट करूँ, ऐसा इसके लिए। तो अभी हम लोग ने जो पहले कल रात को जो होटल रुके थे वो चेकआउट करके नया होटल रूम लिया है। ये ऐसा कुछ नया होटल है, ऐसे 3 रूम लिए हम लोग ने, 11 लोग के लिए 3 रूम, क्योंकि वो होटल में पार्किंग ठीक नहीं थी। मैंने फुटेज निकाला, अगर यहीं पे कहीं पे डाल दूंगा तो। और आज एक्सप्लोर करेंगे बदामी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बड़ा एरिया नहीं है, छोटे से एरिया में बहुत कुछ घूमना है। और अपनी चाय भी आ चुकी है, सो चीयर्स। और अभी निकलते हैं, सब लोग दूसरे रूम में बैठे हैं, बहुत आवाज़ था इसके लिए मैं यहाँ पर आ गया। मुझे ये नया बोया का माइक भी इस पर मैंने सेट किया, वो भी चेक करना था। तो ठीक है, मिलता हूँ चाय ब्रेक के बाद। ये आज का फर्स्ट स्पॉट, होटल से ऑलमोस्ट 2 मिनट पे ही था। यहाँ पे सब बहुत पास में ही है। और कल जो गंदी वाली ऑफ रोडिंग की थी उसके वजह से मेरा ये स्क्रू गिर गया, तो अभी इसे लगाना पड़ेगा पहले, फिर आगे कब प्लान करते हैं। पहले तो घूम के आते हैं, अभी यहाँ पे यहाँ तक आ गए तो घूम लेते हैं। ये यहाँ पे हर जगह मिलेंगे। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, छोटा बच्चा। ओके, सो ये है आज का फर्स्ट स्पॉट, पीछे देख रहा है, ये केव्स है, ऊपर फोर्ट है और यहाँ पे ये है। तो सब लोग आ गए, होटल से बस 1 मिनट पे ही था, जस्ट होटल से निकले, लेफ्ट मारा और यहाँ पे आ गए, बहुत जल्दी आ गए। तो मतलब बहुत पास में सब है, अभी बस वहाँ पे जाते हैं ऊपर। और ये सब बाकी लोग, इनका फ़ोटोशूट चालू हो गया है, तो बस ऊपर जाते हैं फटाफट और देखते हैं। एक्चुअली मैंने कुछ देखा भी नहीं है, क्या है ये? एक्चुअली बदामी से, ये बदामी फोर्ट आओ दे कोई नहीं, किसी को नहीं पता है, बस इतना पता है ये केव है, ऊपर फोर्ट है, तो ऊपर जाते हैं। और ये देखो, ये है, और ये बेचारा देखो, ये बेचारा फोटोग्राफर, लड़कियों को लाओगे तो यही होता है। कोई नहीं, ठीक है, अभी ऊपर जाते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा, ये हमारे पहले वाले जो होटल था ना, वहाँ से ये दिख रहा था, फिर हम लोग ने होटल चेंज किया ना, वहाँ से ये नहीं दिख रहा है, पहले ये दिख रहा था। वहाँ तक है पूरा, बहुत दूर तक है। एक्चुअली मेरे पास ना, मैं DSLR लेके नहीं आया, नहीं तो जूम लेंस है ना, वो बहुत अच्छे से दिखता। और ये क्या सेक्सी लग रहा है, ये मतलब ऐसा लग रहा है ये पानी से कटा हुआ है। वाटर जब फ्लो होता है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तब कटता है ना, ऐसा लग रहा है। म्यूजियम इधर है, लेक इधर, बुद्ध टेम्पल इधर, फोर्ट, फोर्ट इधर से है ना ऊपर से, या वो फोर्ट है? अच्छा, जस्ट अ करेक्शन, फोर्ट वहाँ पे है पीछे। तो ये पीछे केव है, तो टिकट है, 25 रुपीज़ पर पर्सन। और आगे म्यूजियम है वहाँ पे, और उसकी 5 रुपये कुछ एंट्री फी है, और वो फोर्ट है। और मेन बात यह है कि 6 बजे सब बंद हो जाता है, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गए, तो 6 बजे सब बंद हो जाता है। पहले कहीं पे भी जाओ, हम यहाँ पे पत्तडकल कहीं पे भी जाओ, सब 6 बजे बंद होता है। तो आओगे तो रात का प्लान तो मत ही करना, दिन में जितना घूमना है घूम लेना। और सभी अंदर चलते पहले तो। थोड़ी सी इन्फो पड़ी वहाँ पे, आपको भी दिखाता हूँ। 550 CE में बना है ये केव, लॉर्ड शिवा के लिए लिंगा फॉर्म में। आपने वो वीडियो अगर आगे डाला होगा तो देख लेना, या इससे आगे डाल दूंगा मैं, अगर पहले डाला होगा तो आपने देख लिया होगा। तो अंदर शिवलिंग है और नंदी भी था, और इन्फॉर्मेशन एक बार पॉज करके पढ़ लेना, बहुत सारी है। 550 CE में बना, बहुत पहले में। ये सबका फोटोशूट ही चल रहा है अभी और ये पूरा दिन चलने वाला है। ये बेचारा इधर खड़ा है मयूर, उसको कोई फोटो ही नहीं निकल रहा है, उसको इधर सीढ़ी पे फोटो निकालना है, बहुत ऊपर तक है तो उसको यहाँ पे फोटो निकाल रहा है, लेकिन कुछ खाली ही नहीं है। और बाकी लोग देख लो, औरतों को लाओगे तो यही होगा। सिंगल की हंसी। कोई ना अभी, लेकिन ये बहुत सही है, ये ऐसा लग रहा है बहुत सालों से वाटर से इरोजन हो के बनाई है। Not sure on the information, but this one is important। यहाँ पे बहुत ज्यादा है ये लोग और आपके हाथ से कुछ भी छीन के भाग सकते हैं। मेरी तो फट रही है गोप्रो, लेके ना भाग जाए, डेटा भी जाएगा, कैमरा भी जाएगा और नया लेने में पैसे फट जाएंगे। ऊपर आ गए ये। अच्छा पॉज करके पढ़ लेना द सेकंड क्यू फॉर गॉड विष्णु। अंदर चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी केव्स है। इधर बाकी सब लोग शूज पहन के आए। द बेस्ट पार्ट इज हम 2-3 लोग ही ऐसे चप्पल पहन के आए जो निकाल सकते हैं। मेहनत करनी पड़ती है। गंदा थक गया हूँ बट कोई नहीं, और भी है सामने फोर्ट है वो भी जाना है। नीचे दैट्स दी अगस्त्या लेक और इनका फ़ोटोशूट चल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं DSLR नहीं लेके आया, नहीं तो वाट लग जाती मेरी फ़ोटो खींचने में। वीडियो तो साइड में रह जाती, इनके फ़ोटो ज़्यादा आ जाते। मैं थका हुआ हूँ और यहाँ पर बैठा हूँ ये केव में। वहाँ से नीचे से आए एंड वो फोर्ट पर भी जाना, वहाँ पे अगस्त्या लेक के वहाँ पे भी जाएंगे नीचे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे बहुत है यहाँ पे। बहुत मंकीज़ है। खाने का कुछ हाथ में रहा तो खींच लेंगे हाथ से, और डर बस यही है गोप्रो ना खींच ले, नहीं तो फट जाएगी। और अभी यहाँ से उतरूँ। और लगता है हम लोग यही थकने वाले हैं। केव नंबर 3 इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना, मैं थक चुका हूँ। CE में बना है। महाविष्णु स्टेप ब्रदर ऑफ महाविष्णु। भाई साहब बहुत पुराना है यार ये तो। और ये देख के क्या सही लग रहा है, पता नहीं गोप्रो में कैसा दिख रहा है बट ये देख लो क्या इरोजन हुआ होगा या क्या काटा होगा वाटर से या कैसे भी। जो भी है बहुत सही है। ये सबसे लास्ट गुफा है, जैन गुफा आगे है वहाँ पे। 4 गुफाएं टोटल, चारों की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स डाल दूंगा अंदर से। अभी यहाँ पे भी अंदर जाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। जैन गुफा सबसे लास्ट वन। वहाँ से चल के हम लोग यहाँ पे आ गए। पीछे टेंपल है, कौन सा पता नहीं, वहाँ पे जाके देखते हैं। और बाइक लेके भी जा सकते हैं अब लोग। हम लोग चल के ही फोर्ट तक जाएंगे, पीछे फोर्ट है इसके पीछे, तो बाइक लेके जा सकते हो, गाड़ी से भी जा सकते हो, बट हमने सोचा कि थोड़ा वॉक करके ही जाते हैं और घूम के आएंगे और एक बार ही गाड़ी निकाल के फिर वापस खाना खाने और वो सब। आगे चलते हैं, व्यूज़ बहुत सही है यहाँ पर। खतरनाक अभी ज्यादा होन जाओ दे बैग में पकड़ तो दे। ये है पूरा। GoPro में कितना अच्छे से आ रहा है पता नहीं, आईफोन में शूट कर सकता हूँ लेकिन डेटा ट्रांसफर करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, नेटवर्क कवरेज बहुत कम है इसके लिए। ये सभी जुर्माना वाले चल। कोणती शाळा? तीन बार सेम इंस्ट्रक्शंस का उसने फोटो निकाला है। मोहिनी मैडम प्लीज, मोहिनी मैडम, मोहिनी भाई, तीन बार सेम फोटो निकाला है अलग अलग जगह पे। नहीं सेम तो दूसरा होता। इट्स ओके, समझेगा नहीं, मराठी है लेकिन फिर भी ये वैसे ही है। पहले हम लोग वो साइड पे थे, ये जो अगत से लेके उसके वो साइड पे थे हम लोग वहाँ पे, और अभी यहाँ पे आ गए। और ये सामने म्यूजियम पीछे, और यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी से नहीं आए तो रिक्शा से भी आ सकते हो। रिक्शा ऐसे रिक्शा होती है जो घुमाती है, तो 300 रुपीज़ समथिंग फेयर है, वो आप नेगोशिएट कर लेना। म्यूज़ियम घूम के हो गया, अंदर शूट करना अलाउ नहीं था तो मैंने शूट नहीं किया, बट ये पूरा चालुक्य डायनेस्टी का बहुत सारी चीज़ है अंदर, बहुत सारे स्कल्पचर्स है अंदर। 5 रुपये टिकट है, देख सकते हो, और उसके पीछे ही फोर्ट है। तो हम लोग अभी फोर्ट नहीं जा रहे हैं, नीचे है भूतनाथ टेम्पल। भूतनाथ टेम्पल पहले जाते हैं, तब तक ये सब लोग इधर आराम कर रहे हैं, और भूतनाथ टेम्पल जाके खाना खा के फिर फोर्ट जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है बीच में। भूतनाथ टेम्पल एक, और यहाँ पे भी ऊपर एक भूतनाथ टेम्पल है। भूतनाथ टेम्पल, ये भी एक भूतनाथ टेम्पल है, वो भी एक भूतनाथ टेम्पल है। ये तो बंद है वैसे, उधर जाके देखते हैं अगर वो चालू है तो। ये है भूतनाथ मंदिर, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, ये देख लो, ये सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। और मेरी इसलिए फट रही है क्योंकि ये जो बंदर लोग हैं कहीं GoPro को खाना समझ के छीन के भाग ना जाए, तो अभी देखते हैं, अभी मंदिर में जाते हैं। बहुत सारे टेम्पल्स हैं वैसे तो यहाँ पर, ये एक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आगे एक छोटा सा, उसके पीछे भी 2 और है, अंदर जाता है। Bhutanatha temple. Okay, sir. Go ahead. This is famous in Chalukya South. Yes, and very good architecture actually. You can see this marvelous. Fantastic. As Abhi sir said, marvelous. Let's check this out. He is a civil engineer in BMC. That's why he's saying that. Yeah. Okay. Got it. पाकिस्तान मैच चल रही है वहाँ पे, मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान जीतेगी। एनीवेज यहाँ पे लंच हुआ है, अभी जाना है फोर्ट पे। अभी बज रहा है 4:46, तो 5-6 बजे सब बंद हो जाता है, उससे पहले जाते हैं। तो होटल कोई मिल नहीं रहा था खाने के लिए, तो ये जो होटल वाला है वो काइंड इनफ, उसने हमें ये बड़ा सा हॉल दे दिया, कहा कि इधर खाना खा सकते हैं। तो हमने नीचे के होटल से ऑर्डर किया और हो गया। अभी सीधा उधर चल रहा है।